मांगे पूरी हो इस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री के आवास के सामने आंदोलन किया गया। इस दौरान उन्होंने महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों की मांगे पूरी हो और उनकी समस्या जल्द सुलझे, इस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी की ओर से आंदोलन किया गया। इस संदर्भ में अधिक जानकारी देते हुए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय भेंडे ने बताया कि हमारा आंदोलन शुरू होने के पहले ही पुलिसकर्मी हमें गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गए हैं, लेकिन हमें इसकी जरा भी परवाह नहीं है। हम किसानों के लिए लड़ेंगे, ऐसा उनका कहना था। उन्होंने आगे कहा कि किसानों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी महाविकास अघाड़ी सरकार का उनकी ओर कतई ध्यान नहीं है। जनता पार्टी की ओर से किसानों के डिमांड के लिए यह आंदोलन में रखा गया है। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ किसानों को भारी समस्या से जूझना पड़ रहा है कि यहाँ सोयाबीन है, सोयाबीन को हमारे यहाँ दाने लगे नहीं। यहाँ कपास है, कपास के बोंड है, केवल उसको कपास भी लगा नहीं। यहाँ किसानों की बीज ये काटने का काम महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार ने किया, इसके निषेधार्थ आज का यह आंदोलन है। आंदोलन शुरू होने को ही है तो यहाँ पुलिस ने बड़ी संख्या में पुलिस आए और इनको हमको अरेस्ट करने का काम करे, हमको उसकी चिंता नहीं है। लेकिन किसानों की समस्या के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी मैदान में रही है, मैदान में रहेगी। आगे भी इसी प्रकार का किसानों के लिए आंदोलन किया जाएगा, चाहे सरकार कितनी भी दड़प से ही करे। आज हम देख रहे हैं कि आंदोलन शुरू होते ही तुरंत यहाँ पुलिस आई, उन्होंने कहा कि इस प्रकार का आंदोलन नहीं किया जाएगा। हमने रामगिरी के सामने जहाँ मुख्यमंत्री का निवास है, उस मुख्यमंत्री के निवास के सामने ये प्रतीकात्मक आंदोलन किया। शांति से है आंदोलन चल रहा था, लेकिन इसको दबाने की कोशिश महाविकास आघाड़ी सरकार की ओर से कर रहे, इसका हम तीव्र निषेध करते हैं। और किसानों की समस्याओं के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी मैदान में रहेगी, इसको आश्वासित करते हैं। हमेशा किसानों के लिए लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। इस दरमियान बात करते हुए भाजपा के प्रवक्ता गिरीश व्यास ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार पुलिस के जरिए भाजपा द्वारा किसानों के समर्थन में किए गए आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है, जिसका हम निषेध करते हैं। उन्होंने महाविकास अघाड़ी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इस सरकार आर्यन की चिंता करती है, शाहरुख खान की चिंता करती है, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता नहीं कि किसानों की दिवाली काली हो रही है। महाविकास आघाड़ी सरकार भारतीय जनता पक्षाचं किसानांच्या समर्थनात केलेलं आंदोलन पोलिसांच्या दंडुकेशाहीमधून दाबण्याचा प्रयत्न करते आहे, त्याचा आम्ही निषेध करतो। हे सरकार आर्यनच्या बाबतीत चिंता करतं, त्यांचा कॅबिनेट मंत्री आर्यनची शाहरुख खानची चिंता आहे, त्यांना चिंता नाही की शेतकऱ्यांची दिवाळी काळी होते आहे, त्यांना चिंता नाही त्याचं सोयाबीन गेलाय, त्यांना चिंता नाही त्याचा कापूस गेलाय, त्यांना चिंता नाही त्याच्या संत्रा गेला, मोसंबी गेली, त्यांना पैसे देत नाही आहे। परंतु हे सरकार झोपलेलं आहे, हे ड्रग पेडलरची चिंता करत आहेत। अशा सरकारचा आम्ही निषेध करतो। मुख्यमंत्री जागे व्हा हे सांगण्यासाठी भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करत आहे। आम्ही जेल भरून आंदोलन आज केलेलं। इस आंदोलन में जब हमारी टीम ने एक किसान से बात की तो उन्होंने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि खेत की स्थिति बेहद ही चिंताजनक है, खेती में कुछ भी उपज नहीं है, ऐसा उनका कहना था। आगे उनका कहना था कि सरकार ने हमसे वादा किया था कि दिवाली के पहले हमें मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन उन वादों पर अब तक कोई अमल नहीं किया गया, ऐसे में हम दिवाली कैसे मनाए, ऐसा सवाल उन्होंने खड़ा किया। शेती जी पूरी बिकट परिस्थिति है, म्हणजे शेतीत काहीच पिकलं नाही, ना सोयाबीन पिकलं, ना पराठी पिकली, ना मुळा पिकला, ना पालक पिकली, ना सेपू पिकला, ना लाल भाजी पिकली, हे काहीच नाही झालं कास्तकाराले। सरकारनं आम्हाला दिवाळीच्या निमित्त पहिले पैसे कास्तकाराला कबूल झाले होते देणार हा भाव म्हणून, अजून बी काही पैसा आला नाही, काही नाही, मग आमची दिवाळी कशी होईल बा। एक और किसानों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियों द्वारा इस मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। अब ऐसे में किसानों को न्याय कौन दिलाएगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।